चलो बच्चों, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 5 शुरू करें ना, जिसका नाम है पॉवर्टी। पॉवर्टी, गरीबी, हम सबको ये ध्यान है। वर्ल्ड की हर कंट्री की बेसिक प्रॉब्लम ये है, पॉवर्टी। हर देश के लिए बेसिक प्रॉब्लम, सही बात है। दुनिया का कोई देश ऐसा बाकी नहीं है कि जहाँ पर पॉवर्टी की कंडीशन ना हो। हाँ, ये बात अलग है कि कोई देश में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा होती है तो कोई देश में कम होती है, लेकिन कोई देश ऐसा बाकी नहीं है कि जहाँ पर पॉवर्टी ना हो। पॉवर्टी हर जगह पर है। बेसिक मीनिंग में हम लोग पॉवर्टी किसे कहते हैं? कहते हैं कि जब कोई कंट्री के पर्सन, कंट्री में रहने वाले, देश में रहने वाले लोग अपनी बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें भी ना खरीद पाते हो। बेसिक नेसेसिटी मतलब सिंपल भाषा में हम लोग वो कहते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये हर पर्सन की बेसिक नीड कहलाती है, बरोबर ना? रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। जब कोई पर्सन अपनी बेसिक नेसेसिटी, बेसिक नीड की ये चीज़ें भी न खरीद पाता हो ना, तो वो पर्सन पुअर कहलाता है। और कंट्री में ऐसी कंडीशन, जब बहुत सारे लोग जो है वो अपनी बेसिक नीड्स की चीज़ें भी न खरीद पाते हो, तो कंट्री की वो कंडीशन पॉवर्टी की कंडीशन कहलाती है, बरोबर ना? इसे हम लोग गरीबी कहते हैं। ये पॉवर्टी की कंडीशन जैसे मैंने बताया हर देश में है, कोई देश जो है वो बाकी नहीं है। कुछ टाइम पहले हम लोगों ने ये सेकंड चैप्टर में भी देखा था कि भाई पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसके बारे में जो है वो कॉन्सेप्ट चलने लगे ना ये, कि जिसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो है वो हमने समझा था कि अब हर देश में मेन डेवलपमेंट मेजर किया जाता है, मेन डेवलपमेंट मेजर किया जाता है वहाँ के ह्यूमन डेवलपमेंट के थ्रू। कि अगर लोगों का डेवलपमेंट हो रहा है तो मतलब कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट में ऐसे माना जाता है ना कि अगर लोगों का डेवलपमेंट हो तो कंट्री का डेवलपमेंट होता है, नहीं तो नहीं। और लोगों का डेवलपमेंट अगर अटकता हो ना कोई वजह से, तो वो पॉवर्टी पहला रीज़न आता है। पॉवर्टी वो हर कंट्री का ब्लैक स्पॉट कहलाता है, हर देश के लिए जो है वो काला धब्बा कहलाता है पॉवर्टी की प्रॉब्लम, बरोबर? क्योंकि अगर पॉवर्टी है, गरीबी है कोई भी देश में, तो वहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट रुक जाता है, और अगर ह्यूमन डेवलपमेंट रुक जाता है तो उसकी वजह से कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी रुक जाता है। तो इसलिए पॉवर्टी हर कंट्री की सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि जिसे हर देश का निकाल करना है, ठीक है ना? बाकी की प्रॉब्लम्स बाद में, पहले हर देश में पॉवर्टी का निकाल होना चाहिए, ऐसे माना जाता है। और प्रॉपर अगर पॉवर्टी के मीनिंग हम लोग समझे ना, हमारी टेक्स्ट बुक के हिसाब से पॉवर्टी का बेसिक मीनिंग तो मैंने आपको बताया कि जब कोई पर्सन जो है अपनी बेसिक नीड्स की चीज़ें भी ना खरीद पाता हो तो वो पर्सन पुअर कहलाता है, और उसकी ये कंडीशन पॉवर्टी की कंडीशन कहलाती है। ये बेसिक मीनिंग है। लेकिन टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर हम लोग देखें ना, तो हमारे यहाँ पर पॉवर्टी की जो कंडीशन है उसे, या उसकी जो समझो डेफिनेशन है, उसे दो पार्ट में, दो तरह से जो है वो डिवाइड किया जाता है। एक ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, ट्रेडिशनल मीनिंग जैसे जो है वो इनकम पॉवर्टी कहा जाता है, या एक मॉडर्न मीनिंग ऑफ पॉवर्टी है जैसे नॉन इनकम पॉवर्टी कहा जाता है। पहले ट्रेडिशनल मीनिंग समझे, इनकम पॉवर्टी मतलब पहले के टाइम में हमेशा से, ब्रिटिशर्स का टाइमिंग हो, राजा महाराजाओं का टाइमिंग हो, या जो है वो ब्रिटिशर्स के बाद भी काफ़ी सालों तक, आज़ादी के बाद भी काफ़ी सालों तक, हमारे यहाँ पर जो पॉवर्टी काउंट की जाती थी या समझा जाता था पॉवर्टी को, तो वो इनकम के बेस पर होता था। ट्रेडिशनल मीनिंग के अकॉर्डिंग इनकम पॉवर्टी, कि अगर कोई पर्सन की पर्टिकुलर इनकम जो है वो नहीं है, पर्टिकुलर इनकम नहीं है, तो वो पर्सन पुअर कहलाता है, ऐसे माना जाता है, बरोबर? या तो इनकम के हिसाब से, इनकम के हिसाब से उनकी फूड कैलोरी काउंट की जाती थी, फूड की कैलोरी, कि अगर कोई पर्सन को पूरे दिन में इतनी कैलोरी का खाना भी अगर नहीं मिल रहा है तो वो पर्सन पुअर कहलाता है, बरोबर? पहले ऐसे माना जाता था, पर्टिकुलर इनकम अगर उसके पास नहीं है, पर्टिकुलर कैलोरी का खाना उसे जो है वो पूरे दिन में नहीं मिल रहा है कोई पर्सन को, तो वो पर्सन पुअर कहलाता है, बरोबर? तो ये जो पॉवर्टी की पहले की डेफिनेशन थी ना, वो एक तरह से समझो कि भाई कंट्री का स्टेरवेशन बताता था। स्टेरवेशन, स्टेरवेशन मतलब समझो कि भाई भूखमरी बताता था, या स्केयरसिटी, स्केयरसिटी मतलब कि भाई अछत बताता था, कि भाई लोगों के पास चीज़ों की कमी है, वो पूरा खाना नहीं ले पा रहे हैं, पूरा जो है वो उनके पास इनकम नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से वो पर्सन पुअर कहलाते हैं। ट्रेडिशनली ये मीनिंग कहा जाता था। लेकिन पॉवर्टी सिर्फ और सिर्फ स्टेरवेशन नहीं है, पॉवर्टी मतलब सिर्फ भूखमरा या सिर्फ अछत नहीं कहलाती, कि लोगों के पास इनकम नहीं है, लोगों के पास पूरा खाना नहीं मिल रहा है तो वो पॉवर्टी है, ये पॉवर्टी नहीं। पॉवर्टी में दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें काउंट होती है, कि अगर पर्टिकुलर पर्सन की इनकम है, उसे दिन में 3 वक्त का सही खाना भी मिल जाता है, लेकिन दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें हैं,
कि जैसे जो है वो उसे अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो, उसे जो उसका जो है वो लिविंग स्टैंडर्ड बहुत लो हो। रिच पर्सन को पता है कि जब वो स्टडी करते हैं उनके पास उन्हें बिजनेस करने की, जॉब लेने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, अपॉर्चुनिटीज़ फ्रीडम होती है। कि कोई रिच पर्सन ने अगर स्टडी कंप्लीट की ना अपनी कॉलेज की, तो उसके बाद जो है वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकता है, उसके पास कैपिटल है अच्छा खासा। लेकिन पुअर पर्सन को ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि चलो वो अपना एजुकेशन भी अच्छा अगर कंप्लीट कर ले तो शायद उसके बाद उसे जॉब के लिए धक्के खाने पड़ते हैं, बिजनेस शुरू करने का तो वो दूर दूर तक नहीं सोच सकता है, बरोबर ना। ये भी चीज़ें तो उसकी पॉवर्टी में काउंट होनी चाहिए कि नहीं, सही बात है ना। कि सिर्फ इनकम को पॉवर्टी का बेस नहीं माना जाना चाहिए। तो इसीलिए ये मॉडर्न मीनिंग ऑफ पॉवर्टी आ गई जो नॉन इनकम पॉवर्टी कहलाती, सही बात है। इनकम बेस होना चाहिए, पॉवर्टी में इनकम को माना जाना चाहिए, लेकिन एक लिमिट तक। इनकम के बाद भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो पॉवर्टी में इंक्लूड होनी चाहिए। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, लोगों की हेल्थ फैसिलिटीज़ उन्हें कितनी मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ का वो कितना फ़ायदा उठा पा रहे हैं, उन्हें फ्रीडम कितना मिल रहा है, फ्यूचर में उनकी अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास कितनी है। रिच पर्सन के पास काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, वो हर तरह का काम कर सकते हैं। क्या पुअर पर्सन के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है? नहीं ना। तो भले उस पर्सन को अच्छी थोड़ी बहुत इनकम मिल जाती हो और जो है वो दिन में 3 वक्त का अच्छा खाना भी मिल जाता हो, लेकिन बाकी सब चीज़ें उसके पास नहीं है तो भी तो वो एक तरह से पुअर कहलाया ना, बरोबर ना। ये मॉडर्न मीनिंग में माना जाता है। जब से HDI की शुरुआत हुई, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सेकेंड चैप्टर में देखा था, तब से जो है वो पॉवर्टी को खाली इनकम में काउंट नहीं किया जाता, दूसरी चीज़ें भी उसमें काउंट की जाती हैं। इसकी वजह से पता है जब हम HDI काउंट करते थे, सेकेंड चैप्टर में देखा था हमने, तो HDI में जो है वो 3 कॉन्सेप्ट खास लिए जाते थे। लोगों को नॉलेज कितनी है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, और उनकी जो है वो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, मतलब हेल्थ फैसिलिटीज़ उन्हें कितनी अच्छी मिल रही है, बरोबर ना। ये 3 कॉन्सेप्ट हम HDI में मानते थे ना, और यही 3 कॉन्सेप्ट पॉवर्टी के साथ भी रिलेटेड होते हैं। कि खाली इनकम नहीं, इनकम के अलावा ये 3 चीज़ें भी उन्हें कितनी अच्छी तरह से मिल रही है, ये उसकी पॉवर्टी डिसाइड करती है। समझ आ रही है बात? तो पॉवर्टी का बेसिक मीनिंग ठीक है, बेसिक मीनिंग के लिए कह सकते हैं कि अगर कोई पर्सन को जो है वो पूरी इनकम नहीं है, वो बेसिक चीज़ें भी नहीं खरीद पाता है, तो वो पर्सन पुअर कहलाए, बरोबर। लेकिन इसके अलावा भी अगर उसे दूसरी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, उसे एजुकेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, भले इनकम और खाना मिल रहा है लेकिन वो पढ़ लिख नहीं पा रहा है, उसे फ्रीडम नहीं मिल रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, तो भी वो पर्सन पुअर कहलाता है, ये मॉडर्न टाइम में मानते हैं। समझ आ रही है बात? तो इसलिए मॉडर्न टाइमिंग में पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट छोटा नहीं, काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाता है वो। और इन्हीं के अकॉर्डिंग अगर एक पॉइंट देखें, इसी से कनेक्टेड आता है एक पॉइंट, जो पॉइंट आता है हमारा नेचर ऑफ पॉवर्टी, नेचर ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी का नेचर कैसा है। तो कहते हैं कोई भी कंट्री में अगर पॉवर्टी का नेचर मेजर करना हो या समझना हो, तो पॉवर्टी को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, 2 टाइप्स में, समझो पॉवर्टी के 2 टाइप्स हो गए। पॉवर्टी को 2 टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, एक आता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक आता है रिलेटिव पॉवर्टी, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी। अब इन दोनों को समझे हम लोग, बरोबर, ध्यान से समझना है ये कॉन्सेप्ट। एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बारे में अगर समझे ना, तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी कोई भी कंट्री की रियल पॉवर्टी कहलाती है, कोई भी कंट्री की रियल पॉवर्टी वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहलाती है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी के लिए हमारे यहाँ पर, हमारी कंट्री में गवर्नमेंट हो या कोई NGO वाले हो या गवर्नमेंट की बनाई हुई कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या संस्था हो, वो संस्थाएं पूरी कंट्री के लिए एक लिमिट तैयार करती है, हर चीज़ की एक पर्टिकुलर लिमिट तैयार करती है, हर चीज़ की है, आगे बताऊंगा ये, हर चीज़ की पर्टिकुलर लिमिट तैयार करती है, जिस लिमिट को फिर नाम दिया जाता है पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन ये नाम दिया जाता है। ये लिमिट तैयार की जाती है और कंट्री में जो भी पर्सन उस लाइन के अंडर में आता हो ना, उस लाइन के अंडर में आता हो, तो वो पर्सन पुअर पर्सन कहलाता है और कंट्री की वो कंडीशन पॉवर्टी की कंडीशन कहलाती है, बरोबर। सरकार या कोई संस्था एक पर्टिकुलर जो है वो लिमिट तैयार करती है, उस लिमिट के अंडर में जो है वो अगर कोई भी आता हो तो उसे जो है वो पुअर पर्सन माना जाता है, बरोबर। जैसे अगर आप लोगों को ध्यान हो तो प्रेजेंट टाइमिंग में वो कहा जाता है ना, नाम आपने सुना होगा, BPL कहते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, बरोबर, बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL।
तो उस पॉवर्टी लाइन गवर्नमेंट डिसाइड करती है, उसके अंडर में जो भी पर्सन आता हो वो पुअर पर्सन, और ऐसी पॉवर्टी कहलाती है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब ये पॉवर्टी लाइन कैसे डिसाइड होती है? तो पहले के टाइम में पॉवर्टी लाइन डिसाइड होती थी सिर्फ दो मेजर के थ्रू, जो हमने ये ट्रेडिशनल मीनिंग में समझा था, सिर्फ दो मेजर के थ्रू जो है वो पॉवर्टी लाइन डिसाइड होती थी, एक इनकम के थ्रू और एक जो है वो फूड कैलोरी के थ्रू, एक इनकम और एक फूड कैलोरी, इसके थ्रू जो है वो ये पॉवर्टी डिसाइड होती थी। अगर इनकम के थ्रू समझे ना, तो 1960 की बात है, तब यहाँ पर जो है वो पॉवर्टी लाइन डिसाइड हुई थी कि यहाँ पर रहने वाले हर एक पर्सन की बेसिक इनकम, रूरल एरिया में गांव में रहने वाले जो लोग हो ना, उनकी इनकम पर मंथ 15 रुपीज़ होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 15 रुपीज़। ये पॉवर्टी लाइन डिसाइड हुई थी 1960 की बात है। तब ये पॉवर्टी लाइन डिसाइड हुई थी कितनी? 50 रुपीज़, 15 रुपीज़ ना, खाली 15 रुपये। गांव में रहने वाले पर्सन की इनकम अगर 15 रुपये या उससे ज़्यादा है ना, तो वो पर्सन पुअर नहीं कहलाता, ऐसे माना जाता था, बरोबर? हाँ, उस टाइम के 15 रुपये मतलब भी अच्छे खासे हो जाते थे। और जिस पर्सन की इनकम 15 रुपीज़ से भी कम है, 15 रुपये से भी कम है, तो वो पर्सन पुअर माना जाता था, बरोबर? रूरल एरिया में, गांव में रहने वाले लोग, भाई उनकी इनकम कितनी होनी चाहिए? 15 रुपीज़। ये पॉवर्टी लाइन डिसाइड हुई थी 1960 में, उस वक्त की बात। और अर्बन एरिया में, शहर में रहने वाले जो लोग थे उनकी इनकम 20 रुपीज़ के आसपास आती थी, 20 रुपीज़। शहर में रहने वाले लोग अगर मंथली 20 रुपये भी कमा रहे हैं, तो वो पर्सन पुअर नहीं कहलाते। जिनकी मंथली इनकम 20 रुपये से भी कम है, तो वो पर्सन पुअर कहलाते हैं। और फूड के हिसाब से अगर देखें ना, फूड कैलोरी के हिसाब से, तो 1960 के आसपास जो है वो ये डिसाइड हुआ था कि भाई अर्बन एरिया, शहर में रहने वाले जो भी लोग हैं ना, उन्हें जो है वो एवरेज डे में 2100 कैलोरी का अगर खाना मिल जाता हो, 2100 कैलोरी का खाना मिल जाता हो, तो वो पर्सन पुअर नहीं कहलाते। भाई जिन पर्सन को 2100 कैलोरी से भी कम का खाना अगर मिलता हो ना, तो वो पर्सन पुअर कहलाते हैं, बरोबर? ये 1960 के आसपास जो है वो गिना गया था, कब? अर्बन एरिया के लिए, सिटी वाले के लिए। और रूरल एरिया, गांव में रहने वाले लोगों के लिए ये लिमिट थी 2400 कैलोरी, बरोबर ना? 2400 कैलोरी मतलब दिन में अगर उन्हें 2400 कैलोरी का खाना मिल जाता था, तो जो है वो पर्सन पुअर नहीं कहलाया। उससे कम जिसे खाना मिलता हो, वो पर्सन पुअर कहलाता था। अरे भाई समझ में? अगर 2100 और 2400 अगर हम लोग कहें ना, तो आज के प्रेजेंट टाइमिंग में अगर हम एक बार जो है वो कोई बाहर का खाना खा लेते हो ना, एक बार का, खाली दिन में तीन वक्त का नहीं, एक बार का अगर कोई बाहर का अच्छा खासा खाना खा लो ना, मतलब समझो पिज्ज़ा बर्गर पेट भर के जो है वो खाया है, तो उसमें भी कुछ 2000 के आसपास कैलोरी आ जाती है एक बार में। तो तीन बार में हम लोग जो है वो कितनी कैलोरी खाते होंगे, बरोबर? लेकिन वो एक टाइमिंग था। और ये फूड कैलोरी तो आज भी ऐसी ही जो है वो मेंटेन है कि पूरे दिन में जिस पर्सन को कुछ आसपास 2000 या 2100 के आसपास जैसे खाना मिल जाता है इतनी कैलोरी का, तो वो पर्सन पुअर नहीं कहलाता। इससे कम जिसे जो है वो खाना मिलता हो ना, वो पुअर कहलाता है। और आज भी पूरी कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें एक वक्त का खाना भी भरपूर नहीं मिलता है, ठीक है? और ऐसी कंडीशन वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहलाई। इसे रियल पॉवर्टी या एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते थे। भाई एक गवर्नमेंट ने पर्टिकुलर पॉवर्टी लाइन डिसाइड की, ये एक लिमिट डिसाइड कर दी, उसके अंडर में जो कोई भी आता हो वो हर एक पर्सन पुअर कहलाए, बरोबर? 1960 के आसपास ये हुआ था। 1973-74 के आसपास फिर डिसाइड किया गया, भाई इस लिमिट को थोड़ा बढ़ाया गया। टाइम जब बढ़ता है तो हर एक चीज़ में जो है वो चेंजेस तो आते ही है ना, तब ये लिमिट बढ़ाई गई। और फिर जो है वो ये इनकम डिसाइड की गई कि जो रूरल एरिया में रहते हैं उन्हें कुछ 49 या 50 रुपीज़ के आसपास डिसाइड किया गया। मंथली जो 50 रुपये कमाते हैं 1973-74 के आसपास, मंथली जो 50 रुपये के आसपास अगर कमाते हैं, तो वो पर्सन पुअर नहीं कहलाया। उससे कम जिसकी इनकम है, वो पर्सन पुअर कहलाता है रूरल एरिया में, गांव में 50 रुपीज़ के आसपास। और अर्बन एरियाओं में कुछ 57 या 60 रुपीज़ के आसपास था, 60 रुपये के आसपास समझो, कि जो पर्सन जो है वो 60 रुपीज़ के आसपास अगर इनकम है उसकी, तो वो पर्सन पुअर नहीं कहलाता। उससे कम जिसकी इनकम है, वो पुअर कहलाता है, ठीक है? तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो कहलाई ना कि जहाँ पर पॉवर्टी लाइन के अंडर में जो भी लोग आते हो, तो उन्हें जो है वो पुअर माना जाता था।
लेकिन ये जो पॉवर्टी लाइन पहले डिसाइड होती थी वो सिर्फ और सिर्फ इनकम और फूड इसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होती थी। तो इसलिए जो है वो इस पॉवर्टी लाइन को कितनी जगह पर स्टारवेशन लाइन भी कहते थे, स्टारवेशन लाइन ओल्ड मीनिंग के हिसाब से। लेकिन जब पॉवर्टी का न्यू मीनिंग आने लगा ना, तब इनमें भी चेंजेस हुए कि इनकम को ही जो है वो सिर्फ बेस नहीं माना गया पॉवर्टी का, उसके साथ दूसरी फैसिलिटीज, उन्हें एजुकेशन कितना मिल रहा है, वो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज का फायदा कितना उठा पा रहे हैं, दूसरी जरूरी चीज़ों के लिए, मेडिकल या दूसरी चीज़ों के लिए, एजुकेशन के लिए वो कितना खर्च कर पा रहे हैं, नहीं खर्च कर पा रहे हैं, बरोबर ना, उन्हें फ्रीडम कितना मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज कितनी मिल रही हैं, ये सब भी पॉवर्टी में काउंट हुआ। एंड 2009 का टाइमिंग था, तब हमारी कंट्री में प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर थे, उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट को एक सजेशन दिया कि पॉवर्टी में अब सिर्फ इनकम और फूड यही नहीं, दूसरी चीज़ें भी इंक्लूड होनी चाहिए। और एक तेंदुलकर कमिटी बनाई गई उस वक्त, एक टीम बनाई गई जिन्होंने डिसाइड किया कि अब जो पॉवर्टी लाइन डिसाइड होगी ना, उसमें खाली इनकम और फूड को नहीं काउंट किया जाएगा, दूसरी चीज़ें भी उसमें काउंट होगी, जो मैंने बताया, एजुकेशन, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, मेडिकल फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज, ये सब चीज़ें भी काउंट होगी, लोग कितना खर्चा कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ये सब भी। और उसके हिसाब से 2009, 10 या 11 के आसपास जो है वो ये चीज़ें चेंज हुई थी। और अब पॉवर्टी लाइन जो डिसाइड हुई ना, जिसमें रूरल एरिया में उनकी मंथली इनकम कुछ 800 के आसपास जो है वो डिसाइड की गई, जिसमें इन सब खर्चों को मिलाकर, और 2009-10 के आसपास, मतलब जिसकी मंथली इनकम 800 रुपए के आसपास है ना रूरल एरिया में, गांव में, तो वो पर्सन पुअर नहीं कहलाता। ये 2009-10 के आसपास के नंबर थे। और अर्बन एरिया, सिटी में रहने वाले कुछ जो है वो 1000 रुपीज़ के आसपास जो है वो ये इनकम आती है, बरोबर ना, जिनकी इनकम 1000 रुपीज़ के आसपास मंथली, तो वो पर्सन पुअर नहीं कहलाता, उससे कम वाले पुअर कहलाते हैं, बरोबर ना। और तब से लेकर आज तक यही जो है वो चीज़ें चलती आ रही है, जो तेंदुलकर कमिटी ने जो ये डिसाइड किया पॉवर्टी लाइन, और आज तक वही पॉवर्टी लाइन चलती है, ठीक है ना, उसी बेसिस पर। आज के टाइमिंग में भी जो कहते हैं ना बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो उस पॉवर्टी लाइन में अब ये सब चीज़ें इंक्लूड होती है, लोगों की इनकम, उनको फूड कितना मिल रहा है, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज, इन सबको काउंट करके अब जो है वो पॉवर्टी लाइन डिसाइड की जाती है, बरोबर। और उनके हिसाब से अगर देखें ना, उनके हिसाब से देखें तो भी लास्ट जो है वो सेंसस के हिसाब से हमारे यहाँ पर 21% पुअर थे इंडिया में, फिर भी पूरे इंडिया में 21.6% के आसपास जो है वो पुअर थे, बराबर, लास्ट सेंसस, मतलब 2011-12 के आसपास ये कहें, अगर हम 2004-05 के आसपास ये पॉवर्टी जो है वो 37% थी। 2004-05 में हमारी कंट्री में पॉवर्टी 37% के आसपास थी, बरोबर ना, एक ये बहुत बड़ा नंबर है, 37% कम मत समझना, काफ़ी बड़ा नंबर हो गया। और लेकिन ये पॉवर्टी कम होती जा रही है, अब हमारे यहाँ पर जो फैसिलिटीज बढ़ती जा रही है, पॉवर्टी कम होती जा रही है। और उसके बाद जो है वो अब पॉवर्टी हमारे यहाँ पर कम होकर कुछ 21% के आसपास है, और प्रेजेंट टाइमिंग में कहें तो कुछ 18-19% के आसपास है, और कम होकर प्रेजेंट टाइमिंग में। तो हाँ, पॉवर्टी कम होती जा रही है, ये गलत बात नहीं है, लेकिन पता, कम होने का उसका जो है वो स्पीड बहुत कम है, वो भी बहुत कम है, कि पॉवर्टी कम तो हो रही है लेकिन बहुत धीरे धीरे कम हो रही है, अभी भी पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा है। अगर 18-20% पॉवर्टी है, मतलब बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है हमारी कंट्री में, बरोबर। और इनके हिसाब से ना पूरी कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं ना, उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, किस में सबसे कम पॉवर्टी है, किस में मीडियम, किस में ज़्यादा पॉवर्टी है, अगर, बरोबर ना, ऐसे डिसाइड किया जाता है। आपकी टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया हुआ है, वो पर्टिकुलर टेबल मैंने यहाँ नहीं लिखा है, पर वो टेबल ध्यान देना, उनमें जो है वो स्टेट्स के नेम लिखे हुए हैं कि 10% से कम कहाँ पर पॉवर्टी है, 20-30 के बीच में, 40-60 के बीच में, या उससे भी ज़्यादा कहाँ पर पॉवर्टी है, बरोबर ना, ये जो है वो दिया हुआ है उसमें, जिसके अकॉर्डिंग अगर देखें ना, तो हमारे इंडिया में सबसे कम पॉवर्टी गोवा में है, गोवा में सबसे कम पॉवर्टी, वहाँ का पॉवर्टी सिर्फ 5.09% है, मतलब सिर्फ 5%। गोवा में जितने भी लोग रहते हैं उनमें से सिर्फ 5% पर्सन जो है वो पुअर माने जाते हैं। यहाँ पुअर मतलब समझ लेना, जो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अकॉर्डिंग पॉवर्टी लाइन के अंडर में आते हो, बरोबर ना। ये पॉवर्टी लाइन भी हर साल चेंज होती है,
हर साल सिचुएशन के हिसाब से लोगों की इनकम बदलती है, फैसिलिटीज बदलती हैं, तो पॉवर्टी लाइन भी जो है वो हर साल चेंज होती है। और उसके हिसाब से गोवा में 5.09% के आसपास पुअर है, और सबसे ज्यादा पुअर, तो सबसे ज्यादा पुअर छत्तीसगढ़ में है ना, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा पुअर है, वहां पर 39.93%, मतलब करीबन 40% से ज्यादा लोग पुअर हैं छत्तीसगढ़ में, वो जो है वो सबसे ज्यादा पॉवर्टी वहां की कहलाती है। बरोबर ना, मतलब अगर कोई पूछे भाई इंडिया में सबसे जो है वो पुअर स्टेट कौन सा, पॉवर्टी सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में 39.93%। तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी किसे कहते हैं, ये ध्यान आया ना, बरोबर ना, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रियल पॉवर्टी इसे कहते हैं हम लोग। भाई गवर्नमेंट जब ये पॉवर्टी लाइन डिसाइड कर देती हो तो उसके अंडर में जो भी पर्सन आते हो तो उसे हम लोग जो है वो पुअर पर्सन कहते हैं। बरोबर, अब दूसरा क्या है, रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी के बाद आता है रिलेटिव पॉवर्टी। तो रिलेटिव पॉवर्टी कैसे कहते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी रियल पॉवर्टी नहीं कहलाती, ये गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती, लेकिन सोसाइटी में खुद ब खुद जो है वो ऐसी पॉवर्टी डिसाइड हो जाती है, खुद ब खुद डिसाइड हो जाती है। रिलेटिव पॉवर्टी को कंपेरेटिव पॉवर्टी कहते हैं, जब जो है वो दूसरों के साथ कंपेयर करो, दूसरों के साथ कंपेयर करने पर जब पॉवर्टी क्रिएट होती है ना, वो रिलेटिव पॉवर्टी, ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी नहीं है, लेकिन सोसाइटी में खुद ही डिसाइड होती है। इसके लिए एक एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं, पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी को समझने के लिए एक एग्जांपल कह सकते हैं कि सपोज देखो गवर्नमेंट ने जो है वो पॉवर्टी लाइन डिसाइड की है, पॉवर्टी लाइन डिसाइड की है कि भाई मंथली जो है, सपोज आज के टाइमिंग में मंथली 3 से 4-5 हज़ार के आसपास ये पॉवर्टी लाइन है, रूरल अर्बन एरिया में अलग अलग है ना, हाँ प्रेजेंट टाइमिंग में, अब ये बढ़ चुका है, 3 से 5 हज़ार के बीच में जो है वो पॉवर्टी लाइन है ये। बरोबर भाई, मंथली जो 3 हज़ार के आसपास भी अगर कमाते हो तो वो पुअर नहीं कहला है। अब कोई पर्सन की इनकम जो है वो 10 हज़ार है, 10 हज़ार मंथली इनकम है, तो 10 हज़ार कहें तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी के हिसाब से तो वो पर्सन पुअर नहीं है, नहीं है ना पुअर वो। लेकिन सपोज कोई पर्सन सोसाइटी में रहता है, उसकी इनकम महीने की 10 हज़ार रुपये है, तो रियली तो वो पुअर नहीं कहलाया। लेकिन उसके ही पड़ोस में कोई दूसरा इंसान रहता है जिसकी इनकम जो है वो मंथली 30,000 है, 30,000 उसकी मंथली इनकम है। तो अब इससे कंपेयर अगर करें ना, तो 30,000 के सामने जो है वो 10,000 कमाने वाला वो क्या कहलाया, पुअर कहलाया। बरोबर ना, गवर्नमेंट के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से देखो तो वो पुअर नहीं है, लेकिन 30,000 जो कमा रहा है उसके कंपैरिजन में तो वो पुअर कहलाया ना। ऐसी पॉवर्टी रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं, जो कंपैरिजन की जाती हो उसमें। सरकार ये पॉवर्टी नहीं डिसाइड करती, लेकिन सोसाइटी में खुद ब खुद कंपैरिजन हो जाती है, लोग खुद ही ऐसी कंपेयर करने लगते हैं। तो 10,000 कमाने वाला वो 30,000 के सामने तो एक तरह का पुअर कहलाया फिर। बरोबर ना, या इनके बाद कहो, वहीं अगर कोई सोसाइटी में तीसरा पर्सन रहता हो जिसकी इनकम जो है वो 50 लाख है, 50,000 है, 50 या 60,000 है, तो उसके सामने वो 30,000 कमाने वाला और 10,000 कमाने वाला दोनों ही पुअर कहलाए। बरोबर ना, जिसकी इनकम 50,000 के या 60,000 के आसपास है मंथली, तो 30,000 कमाने वाला भी तो उसके सामने पुअर ही कहलाया ना, और 10,000 वाला तो एकदम पुअर कहलाया। बरोबर, या अगर कोई सोसाइटी में, उसी सोसाइटी में अगर कोई पर्सन रहता है जिसकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए है, मंथली 1 लाख रुपीज अगर वो कमा रहा है, तो जिसकी इनकम मंथली 1 लाख है, तो उसके सामने तो वो 50,000 कमाने वाला, 30,000 और 10,000 सभी जो है वो पुअर कहलाए। बरोबर ना, तो ऐसी पॉवर्टी रिलेटिव पॉवर्टी कहलाती है, ये रियल पॉवर्टी नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, सरकार नहीं डिसाइड करती इसे, लेकिन सोसाइटी में खुद ब खुद जो है वो ऐसे क्लासेस बन जाते हैं। ये सिस्टम है ना, आज के टाइम नहीं, राजा महाराजाओं के टाइमिंग से चलता आ रहा है ये सिस्टम। पहले के टाइमिंग में पता है वो क्लास सिस्टम होता था कि भाई ये जो है वो राजा है, उसके साथ रहने वाले मंत्री, उसके नीचे सिपाही, उसके नीचे वर्कर, मतलब जो ट्रेडर्स होते, व्यापारी होते, उसके नीचे वर्कर्स आते हैं। बरोबर ना, तो भाई राजा सबसे ज्यादा कमाता है, वो ऊपर, उससे नीचे कम, उससे कम कमाने वाले, उससे कम कमाने वाले, ये सिस्टम राजा महाराजाओं के टाइम से चलता आ रहा है, और आज भी सोसाइटी में ये सिस्टम खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है। कोई सरकार, कोई संस्था ऐसा सिस्टम बनाती नहीं है, और हम लोग ही पता है, हम सोसाइटी में खुद ही ऐसा एक ग्रुप बना देते हैं, भाई ये पुअर है, ये मिडिल क्लास है, ये रिच पर्सन है। बरोबर ना, ऐसे ये नाम वो सोसाइटी देती है ना, सरकार ऐसे नाम नहीं बनाती, सोसाइटी ही ऐसे नाम बनाती है, ये पुअर पर्सन है, ये जो है वो मिडिल क्लास, फिर मिडिल क्लास में भी अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं,
ये मिडिल क्लास, ये लोअर मिडिल क्लास, ये अपर मिडिल क्लास, ये रिच, वो रिचेस्ट, बरोबर, ऐसे ग्रुप बन जाते हैं। अब हमारे कंट्री में अगर हम लोग कहें तो भाई सबसे ज्यादा कमाने वाले अगर वो टाटा और अंबानी और ये सब हैं, तो उनके सामने तो पूरा देश गरीब है, बरोबर ना। देश की 99% पब्लिक जो है वो पुअर कहलाई। अगर रिलेटिव पॉवर्टी के हिसाब से देखो तो जितना वो कमाते हैं उसके कंपैरिजन में तो कंट्री की 99% पब्लिक या पर्सन वो पुअर कहलाए, बरोबर ना। तो रिलेटिव पॉवर्टी कंपेरेटिव पॉवर्टी कहला के कंपेयर करके, ये असली पॉवर्टी नहीं है, रियल पॉवर्टी या एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहलाती है। समझ आ रही है बात? तो देखो आज जैसे पॉवर्टी के ये मीनिंग समझे ना, अब पॉवर्टी के इंडिकेटर्स, उसके कॉजेस, भाई पॉवर्टी किस किस से मेजर होती है, उनके रीजंस क्या हैं, पॉवर्टी का निकाल कैसे करें, वो अब पॉइंट हैं जो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। ओके, थैंक यू।